मौज बना हिट हो जा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। देश की सेवा करने का ऐसा जज्बा कि इस बेटी ने छोड़ दी विदेश की लाखों रुपए की नौकरी। जी हां, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी डॉक्टर श्रेयसी पोखरियाल सेना में मेजर बन गई हैं। बेटी की इस उपलब्धि की जानकारी डॉक्टर निशंक ने ट्वीट कर दी। अपने ट्वीट में डॉक्टर निशंक ने लिखा कि मित्रों, आज का दिन मेरे लिए अपार गौरव एवं गर्व से अभिभूत करने वाला है। मेरी बेटी श्रेयसी निशंक की भारतीय सेना में मेजर पद पर पदोन्नति हुई है। बीजेपी सांसद ने बेटी के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो अपनी बेटी श्रेयसी के कंधों पर मेजर पद पर पदोन्नति स्वरूप अशोक चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश पोखरियाल ने लिखा कि मुझे अपार खुशी है कि मेरी बेटी ने देवभूमि की इस स्वर्णिम एवं गौरवपूर्ण परंपरा को आगे बढ़ाया है। हमारी बेटियां जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी श्रेयसी निशंक पहले विदेश में लाखों के पैकेज पर नौकरी करती थी, लेकिन देश सेवा की चाह उन्हें भारत खींच लाई। श्रेयसी ने लाखों के पैकेज वाली जॉब को ठुकरा दिया और सेना ज्वाइन कर देश सेवा में जुट गईं। उन्होंने सेना की आर्मी मेडिकल कोर ज्वाइन की थी। वो सेना में कैप्टन के पद पर तैनात हुई और अब पदोन्नति पाकर सेना में मेजर के पद पर पहुंच गई हैं। श्रेयसी की सफलता बाकी बेटियों को भी सैन्य क्षेत्र में जाने की प्रेरणा देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।